एक सूखी झील पर 3.7 किलोमीटर का एक एरिया ऐसा है जहां परिंदा भी नहीं मार सकता, पर अमेरिकन एयरपोर्ट हमेशा उसकी निगरानी करती रहती है। उस एरिया के भीतर किसी को जाने की इजाजत नहीं है और अगर किसी ने घुसने की कोशिश की तो उसे सीधे गोली मारने का आदेश है। ऑफिशियली ये अमेरिका का टेस्टिंग एंड ट्रेनिंग सेंटर है, लेकिन सवाल ये उठता है कि अगर ये टेस्टिंग और ट्रेनिंग सेंटर है तो इसे इतना सीक्रेट रखने की जरूरत क्या है। एक बार अमेरिकन सिटीजन्स ने इकट्ठा होकर इस एरिया में जाने और वहां की जानकारी हासिल करने का डिसीजन लिया, लेकिन आगे क्या हुआ आज हम आपको इस वीडियो में हाजिर हुए हैं ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब लेकर। तो कहीं मत जाइएगा, नहीं हमारे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। अमेरिका के नवाडा के दक्षिणी हिस्से में स्थित है एरिया 51। जी हाँ, इसी नाम से इस क्षेत्र को जाना जाता है। हालांकि इसे नेवाडा टेस्ट एंड ट्रेनिंग रेंज भी कहा जाता है, जो बहुत ही सीक्रेट फील्ड है। बीते 60 से 65 सालों से ये एरिया पूरी तरह से प्रोटेक्टेड है। चारों तरफ कंटीले तार लगे हुए हैं। इस फील्ड की शुरुआत होती है जून 1959 में, जब मीडिया में खबर पब्लिश हुई कि एरिया 51 के ऊपर रंग बिरंगी रोशनी नजर आई है और वो रोशनी उड़ती हुई दिख रही है। ये रोशनी बहुत ही अजीब और रहस्यमयी लग रही थी। उस समय नेवाडा के एरिया से रेनो गैजेट नाम का एक अखबार पब्लिश होता था, उसने ही सबसे पहले इस खबर को प्रिंट किया। इसके बाद दूसरे और मीडिया समूह ने भी इस खबर को चलाया। इसके अलावा दूसरे और भी ऐसे लोग सामने आए जिन्होंने इस तरह की सीक्रेट लाइट को देखे जाने की बात कही। हालांकि इस दावे को साबित करने जैसी बात लेकर कोई सामने नहीं आया और ये क्षेत्र आज तक लोगों के लिए एक रहस्य की तरह है। बीते सालों में अमेरिका में लोगों ने सोशल मीडिया पर एक कैंपेन चलाया, स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप अस। इसका मतलब था अमेरिका में रहने वाले लोग ये चाहते थे कि वो एरिया 51 के रिस्ट्रिक्टेड एरिया में जाएं और वहां की जानकारी हासिल करें। देखते ही देखते 15 लाख लोग इस कैंपेन का हिस्सा बन गए। इन सभी ने डिसाइड किया कि 28 जुलाई 2019 को सुबह 3 बजे एरिया 51 में दाखिल होंगे। कैंपेन के सक्सेस को देखते हुए अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पांव फूल गए और फाइनली अमेरिकन एयरफोर्स को एक वार्निंग जारी करनी पड़ी कि अगर इस एरिया 51 में किसी ने भी आने की कोशिश की तो ये उसके लिए बहुत ही डेंजरस होगा। किसी तरीके से इस कैंपेन को रोक लिया गया, लेकिन इस कैंपेन की वजह से एक बार फिर एरिया 51 चर्चा में आ गया। एक बार अमेरिकन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने भी एरिया 51 के एग्जिस्टेंस को एक्सेप्ट किया, लेकिन इसके अलावा उन्होंने और कोई बात नहीं की थी। साल 2013 में अमेरिकन सिटीजन ने PIL दाखिल की और एरिया 51 के बारे में CIA से पूछा था। तब वहां से जवाब दिया गया कि एरिया 51 एक ट्रेनिंग सेंटर है, इसके अलावा जितनी भी बातें और कहानियां सुनने में आ रही हैं, वो सब गलत है। अब सवाल ये उठता है कि वो कौन सी बातें और कहानियां हैं जो चली आ रही हैं। साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रास्वेल एरिया में एक UFO के क्रैश होने की घटना सामने आई। UFO किसी एलियन शिप के लिए समझा जाता है, लेकिन हकीकत में UFO ऐसा ऑब्जेक्ट है जो ATC रडार की पकड़ में ना हो। ये अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट होता है, यानी इसके विषय में एविएशन डिपार्टमेंट के साथ साथ किसी और को भी कोई जानकारी नहीं होती। उस UFO के क्रैश होने के बाद उनमें से कुछ की तो मौत हो गई, लेकिन उनमें से एक एलियन जिंदा रह गया। ऐसा माना जाता है कि एलियन की डेड बॉडी पर अमेरिका गुपचुप तरीके से रिसर्च कर रहा था। इसके अलावा उस एक जिंदा एलियन को जिसने उसे डिटेन कर लिया था, उस पर भी खोज जारी थी। इसके बाद इस एरिया के ऊपर अलग अलग तरह की रोशनी नजर आने लगी, तो इस तरह की बातों को और भी मजबूती मिलने लगी। एरिया के बारे में ये कहा जाता है कि ये दूसरे ग्रह से आने वाले एलियंस पर स्टडी करने वाला एक रिसर्च सेंटर है। एक बात ये भी सामने आई कि जो UFO क्रैश हुआ था, उसका पूरा मलबा 3.7 किलोमीटर के एरिया में गिरा था। यही वजह है कि इतने पूरे एरिया को सील कर दिया गया, आम आदमी का आना जाना यहाँ बंद कर दिया गया और इसे एरिया 51 कहा जाने लगा। 80 के दशक में रॉबर्ट बॉब ब्लाजर नाम के एक व्यक्ति ने यह दावा किया कि उसने एरिया 51 में काम किया है। उसमें कुछ तस्वीरें भी दिखाई दी और उसने बताया कि इस एरिया में एलियन टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जाती है, दूसरे ग्रहों से आए हुए एलियंस पर भी काम किया जाता है। उसने जो तस्वीरें दिखाई वो किसी डेड बॉडी की तस्वीरें थी। उसकी ऑटोप्सी की तस्वीरें बाद में इस आदमी का ये दावा झूठा पाया गया और ये फैक्ट निकलकर सामने आया कि ये व्यक्ति कभी एरिया 51 से जुड़ा ही नहीं था। एरिया 51 को लेकर एक अफवाह और सामने आई, जिसमें ये कहा गया है कि इस एरिया में अमेरिकन साइंटिस्ट टाइम ट्रेवल पर रिसर्च कर रहे हैं। वो बीते हुए समय में कैसे जा सकते हैं या फ्यूचर में कैसे जा सकते हैं, इस बात को लेकर काम हो रहा है। एरिया 51 को लेकर बहुत ही दूसरी बातें भी सामने आई, जिनमें एक बात ये भी है कि अमेरिका दावा करता है कि उसने ही चांद पर पहले इंसान को भेजा। नील आर्मस्ट्रांग वो व्यक्ति थे जो अपोलो 11 मिशन में शामिल थे और उन्होंने ही चांद पर पहला कदम रखा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि दरअसल अपोलो 11 मिशन
कभी चांद पर उतरा ही नहीं, ना ही नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर पहला कदम रखा। वो कभी चांद पर गए ही नहीं, बल्कि ये पूरा का पूरा शूट एरिया 51 में किया गया, जहां पूरा का पूरा वैसा ही क्लाइमेट तैयार किया गया और उसकी फोटोग्राफ्स खींचकर अमेरिका ने पूरी दुनिया को दिखा दिया कि अपोलो 11 मिशन सक्सेसफुल रहा और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति थे। एरिया 51 के बारे में अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA ने पहली बार आधिकारिक रूप से जो जानकारी दी, उस जानकारी के अनुसार एरिया 51 एक्चुअली विमानों का टेस्टिंग सेंटर है, जहां अलग अलग तरह के विमानों की टेस्टिंग की जाती है और उनकी डिफरेंट लाइट्स को देखकर लोगों को लगता है कि ये UFO है। इसके अलावा रशिया और अमेरिका के बीच जब कोल्ड वॉर चल रहा था, उस दौरान दोनों देश एक दूसरे की जासूसी भी कर रहे थे, तो अमेरिका इस एरिया 51 का इस्तेमाल अपने फेवर में दुश्मन देशों की जासूसी के लिए कर रहा था। जासूसी के लिए ऐसे टोही विमानों की जरूरत होती है जिनके पकड़े जाने पर ये ना पता लगे कि वो किस देश से है। इसके लिए उसने U-2 नाम से एक ऐसे विमान का डिजाइन बनाया जो 14,000 फीट की ऊंचाई तक उड़ सकता था, आसानी से किसी के पकड़ में नहीं आता था और किसी भी दुश्मन देश में जाकर अपना काम करके सुरक्षित वापस आ जाता था। आगे चलकर अमेरिकन एयरफोर्स और CIA के बीच इस बात को लेकर भी खींचतान चलती रही, U-2 किसके साथ रहेगा, तो फाइनली डिसीजन CIA के हक में आया, क्योंकि CIA एक स्पाई एजेंसी है और ये उसी के काम का है। CIA के प्लेन को उसके अपने एजेंट उड़ाते हैं ताकि अगर पकड़े भी जाएं तो देश की पहचान ना उजागर हो पाए। U-2 जैसे प्लेन को अमेरिका बीते 50 से 60 सालों से इस्तेमाल करता रहा है। इस प्लेन के जरिए रूस की काफी जासूसी की गई, तो CIA ने माना कि एरिया 51 में इसी U-2 प्लेन की टेस्टिंग होती है। इस एरिया में बताया जाता है कि U-2 प्लेन के जरिए जो काम किया जाता था वो केवल 20 साल तक किया गया, यानी कि 1954 से 1974 तक, क्योंकि USSR की आर्मी ने साल 1974 में एक U-2 प्लेन को मार गिराया और उसके पायलट को गिरफ्तार कर लिया। उसके पायलट का नाम था फ्रांसिस गैरी पावस। इसके पहले तक U-2 का प्रोग्राम पूरी तरह से सीक्रेट था, लेकिन इस घटना के बाद इसका भेद खुल गया। इसके बाद अमेरिका और USSR के बीच एक समझौता हुआ। इस समझौते के तहत दोनों देशों ने एक दूसरे के जो जासूस पकड़े थे उन्हें छोड़ दिया और उसी के साथ फ्रांसिस गैरी को भी छोड़ दिया गया। साल 2015 में इस इंसिडेंट पर बनी एक फिल्म भी आई जिसका नाम था ब्रिज स्पाई, जिसमें U-2 प्लेन के पायलट के पकड़े जाने और फिर उनकी रिहाई से रिलेटेड इंसिडेंट को दिखाया गया। आगे चलकर CIA और अमेरिकन एयरफोर्स ने मिलकर एरिया 51 को और भी ज्यादा सीक्रेट बना दिया। चारों तरफ कटीले तार लगा दिए गए, वार्निंग दे दी गई कि किसी ने भी अगर घुसने की कोशिश की तो उसे गोली मार दी जाएगी। हॉलीवुड फिल्मों ने भी एरिया 51 को एक रहस्यमय एरिया के तौर पर रिप्रेजेंट किया। हॉलीवुड फिल्म इंडिपेंडेंस डे के एक सीन में भी एक ऐसे एरिया के बारे में दिखाया गया जहां एलियंस पर टेस्टिंग होती थी। इन तमाम बातों के सामने आने के बाद IA ने आधिकारिक रूप से ये बात स्वीकार की कि ये एक प्लेन टेस्टिंग एरिया है जहां अलग अलग तरह के विमानों को चेक किया जाता है, इसीलिए वहां पर सीक्रेसी रखी गई है। वहीं दूसरी तरफ एरिया 51 को लेकर जो तस्वीरें सामने थी वो अब भी धुंधली ही रही है। साल 2011 में इसराइल के स्पेस प्रोग्राम के हेड रिटायर्ड होते हैं हैंक शॉ ने साल 2019 में इसराइल के एक न्यूज़पेपर यदियूथ एरोनोट को दिए एक इंटरव्यू में कुछ चौंकाने वाली बातें कही। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से उन्होंने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप एलियन को लेकर कुछ विशेष खुलासे करने जा रहे थे, लेकिन वो ये सोच कर रुक गए कि अभी इंसान इस तरह की बातों को आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा। उन्होंने बताया कि एलियंस के साथ धरती पर परीक्षण करने के लिए अमेरिकी सरकार का एक समझौता हुआ है, बाकायदा दोनों तरफ से हस्ताक्षर हुए हैं। अमेरिका और इसराइल के बीच सीक्रेट तरीके से एक गैलेक्टिक फेडरेशन बनाया गया है जिसके तहत अमेरिका और इसराइल दोनों के ही स्पेस एक्सपर्ट और साइंटिस्ट एलियंस के टच में है, जिसके तहत मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे एक बेस काम कर रहा है जहां एलियंस और वो इंसान के टच में है। इसके अलावा स्पेस में भी जो इंसान मौजूद है वो भी टच में है। उन्होंने ये भी कहा कि इंसानों और एलियंस के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते में इसराइल और अमेरिका ने पार्टिसिपेट किया है। इस समझौते के तहत एलियंस ब्रह्मांड को समझाना चाहते हैं, जिसमें हम उनकी मदद करेंगे, और हम एलियंस को समझना चाहते हैं, जिसमें वो हमारी मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि एलियंस भी ब्रह्मांड को समझाना चाहते हैं और हम इंसान भी इस ब्रह्मांड के रहस्य को समझना चाहते हैं। हैंक शॉ पूरे 30 सालों तक इसराइल के स्पेस सिक्योरिटी प्रोग्राम के हेड रहे, इसीलिए उनकी बातों पर ध्यान ना देने की कोई वजह नहीं थी। हालांकि इस पूरे इंटरव्यू में उन्होंने एरिया 51 को लेकर कोई बात नहीं कही। तो आपको क्या लगता है, इन बातों में कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिर मिलेंगे नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।